There she is. Hello. Heading towards us. Exit duty. First, we can maneuver the loop, stumble, and yaw. गौरव, एक के बाद एक देखिए आसमान में जबरदस्त तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं इस वक्त, और वायुसेना की आज स्थापना दिवस की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान में ही थोड़ा ना देखी जा रही होंगी, वर्ल्ड वाइड सुर्खियां बटोर रही हैं ये तस्वीरें। और हम देखते हैं गौरव की जब इस तरह की तस्वीरें बाकी देशों से भी आती हैं तो कैसे इंटरनेशनली उनका एक महत्व होता है सेना की ताकत का, और कौन सा देश अपने डिफेंस सिस्टम के लिए कितना इन्वेस्ट करता है, उसके लिए कितना तैयार होता है। भारत के लिहाज से जब हम ये देखते हैं तो आज इंटरनेशनली जो मैसेज जाएगा, गौरव बताइए। एक बहुत ही कड़ा संदेश जाएगा। आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर जाइए तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, जब हम नभस्पृशम दीप्तम बोलते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, श्रीमद् भगवद गीता वायुसेना की कई देशों के साथ, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, दुनिया के और देशों, अभी साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ ये कोऑपरेशन और बढ़ता जा रहा है, और इसमें वो देश देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी सक्षम है। और प्रशिक्षण की ही कहां बात करें, आप युद्ध जैसी स्थिति में देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने एक 1960 के दशक में निर्मित MiG-21 विमान से पाकिस्तान वायुसेना के अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया, और अमेरिका ने भी चाहे खुफिया ही तौर पर लेकिन यह बात जरूर मानी, और यह इतिहास बना, विश्व का इतिहास बना, जब एक MiG-21 ने एक F-16 को गिराया। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ भारत में और भारतीय वायुसेना द्वारा। ये भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण का एक अद्भुत उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय वायुसेना में केवल लड़ाकू विमान पायलट नहीं, ये जो पूरी टीम एक साथ आती है, चाहे उसमें फाइटर कंट्रोलर्स हो, ATC हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ग्राउंड स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, ये पूरा एक यूनिट के समय, इस समय लद्दाख में मैं इसको देखकर भी आ रहा हूं किस तरह एक पूरी यूनिट के समय एक यूनिट की तरह ये काम करते हैं, और इसीलिए दुश्मन कहीं भी वो एक चिंक नहीं ढूंढ पा रहा है। आते हैं आपके पास गौरव, मंजीत भी मौजूद है हमारे साथ। मंजीत, हिंडन एयरबेस में आज का सबसे बड़ा आकर्षण अगर रहा एयर शो का तो वो रफाल विमान था। जब आप वहां पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को देख रहे थे, कैसा एक्साइटमेंट लोगों के चेहरों पर दिखाई दिया, क्योंकि रफाल की राह तकते तकते तो हम सबने कितना इंतजार किया है ये हम सब जानते हैं। देखिए बिना किसी कोविड की वजह से संख्या जरूर कम थी, लेकिन जोश और उत्साह कमी देखने को नहीं मिली थी, और खासतौर से वायुसेना ने जैसी ताकत और मानव क्षमता दिखाने की बात की, उसकी कहीं कोई कमी नहीं दिखी थी। और बल्कि इस बार विमानों की संख्या बढ़ेगी कि रफाल ने पहली बार चल दिया हेलीकॉप्टर, और खासतौर से उठाने का प्रदर्शन किया गौरव, आप तक आवाज आ रही है? ओवर टू यू गौरव।
बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बिल्कुल यही बता रहा था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना इस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, न केवल रफाल लड़ाकू विमान, लेकिन अगर आप आकाश में नजर दौड़ाइए तो अभी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम आएगी। ये केवल अपने कर्तव्य नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी शक्ति और क्षमता को दिखा रहे हैं कि युद्ध काल में कैसे दुश्मन की मिसाइलों से, रॉकेटों से बचते हुए ये अपने सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी अब भारतीय वायुसेना में स्वदेश में निर्मित आ रहे हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, और ये सब हमारी हेलीकॉप्टर फोर्स को दर्शाते हैं। ये जो सारंग का डिस्प्ले है, सारंग मोर को कहते हैं, जिस तरह मोर मंत्र मुग्ध कर देता है सभी को, उसी तरह ये सारंग एरोबैटिक्स टीम सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है अपने कर्तव्य से। ये दिखाती है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है, उनका प्रशिक्षण कितना विश्व स्तर का है। मीनाक्षी, लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ग्राउंड स्टाफ, ये सब मिलकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं और इस समय कर भी रहे हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक युद्ध नहीं हुआ, इसमें भारतीय वायुसेना की एक बहुत अहम भूमिका है, और मीनाक्षी अगले दो महीने में भारतीय वायुसेना की भूमिका और भी ज्यादा अहम रहने वाली है। As the Tiger Moth roll in for takeoff, you will shortly see just above the backdrop.